बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष किचन एट। आज हम आपके लिए बनाने जा रहे हैं सबके फेवरेट दही बड़े। दही बड़े सबको बहुत पसंद होते हैं और आज हम इन्हें आपको अपने तरीके से बनाना बताएंगे, एक ख़ास सीक्रेट इंग्रेडिएंट के साथ जो शायद आपने कभी देखा सुना नहीं होगा कि उसे दही बड़ों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए, ये बेसन है 1 कप, दही है 500 ग्राम, आलू हैं, ये 2 से 3 आलू हैं, उबाल कर इन्हें काट लिया है बारीक, नमक, चीनी, इमली की चटनी, चाट मसाला, ज़ीरा, प्याज, मीठा सोडा है और ये मायोनीज़ है। दही बड़ों के लिए सबसे पहले हम इसके बड़े बनाएंगे, ये भी हम खुद ही बनाएंगे। तो इसके लिए ये इसमें 1 कप बेसन है, इसमें ये मैं 1/4 टीस्पून ज़ीरा डाला है, 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम नमक डाल रही हूँ इसमें, और 1/2 टीस्पून इसमें मीठा सोडा जाएगा, खाने का सोडा, ये थोड़ा सा ज़्यादा जाता है इसमें ताकि ये फ्लफ़ी बन सके। इसको मिक्स करके इसकी पेस्ट बनाएंगे और फिर हम इसके बड़े फ्राई करेंगे। अब कढ़ाई में एक एक तरह चम्मच डालते जाएंगे और इन्हें फ्राई करते जाएंगे। ये देखें, हम ये माशाल्लाह फ्राई हो गए हैं, इतने अच्छे से ये फूल गए हैं। काइंडली ध्यान रखिएगा, ये इससे ज़्यादा इनका कलर नहीं आना चाहिए, हल्के सुनहरी हों तो ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमने इसमें मसाले या कोई मिर्च वगैरह तो डाली नहीं है कि जिसका कलर हो, क्योंकि ये सब बेसन ही है। तो ये हो जाएंगे फ्राई, इनको मीडियम आँच पर करना है ताकि अंदर तक पक जाएँ, ज़्यादा हल्की आँच में मत कीजिएगा वरना ज़्यादा तेल पी लेंगे ये। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। जो छोटी छोटी बूंदियाँ हैं इसके बीच में, इनको भी निकाल लें, इन्हें भी हम दही में इस्तेमाल कर लेंगे, बहुत मज़े की लगती हैं ये। और अगर आपको बूंदियाँ ज़्यादा चाहिए तो बेशक थोड़ा सा ज़्यादा घोल लें और उसी से फिर ऐसे हल्का हल्का डालेंगे तो वो बूंदियाँ भी इसकी तैयार हो जाएंगी। बड़े अब ये फ्राई होकर तैयार हो गए हैं, अब हम इन्हें इस तरह पानी में 2-2, 3-3 करके छोड़ देंगे और बस उसी टाइम ही इन्हें निचोड़ के निकाल लेंगे। ज़्यादा देर नहीं रखना इन्हें, तो ये इतने सॉफ्ट हैं वरना ये खुलना शुरू हो जाएंगे। इस तरह ये देखें, बस डालें और निकाल लें। इस तरह से जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी सारा पानी में निकल जाएगा। पानी में डुबोकर तैयार कर लिए हैं और अब हम इन्हें असेंबल करते हैं। दही लेंगे 1/2 kg, अब इसमें ये कुटी लाल मिर्च है 1/4 टीस्पून, ज़्यादा नहीं डालने, नमक लेंगे 1/4 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, चाट मसाला भी जाना है तो नमक में ज़्यादा इसमें नहीं डाल रही। ये चीनी है
तकरीबन एक टीस्पून भरकर डाला है मैंने। हमारा दही क्योंकि पैकेट वाला है तो ये वैसे ही थोड़ा सा मीठा होता है, आपका घर का हो तो एक टेबलस्पून भरकर चीनी डालनी। ये प्याज हैं बारीक कटे हुए, ये डाल देंगे तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून मैंने लिए हैं, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें। चाट मसाला है 1/2 टीस्पून, इमली की चटनी है, ये हमारी घर में बनी हुई है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इसकी रेसिपी देखकर वहां से बना सकते हैं। तकरीबन ये 2 टेबलस्पून इमली की चटनी डाल रही हूँ मैं इसमें, और इसका जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है ये है मायोनीज। मायोनीज इसमें 2 टेबलस्पून जाएगी भरकर, इससे ये बहुत ही क्रीमी और बहुत ही यूनिक डिफरेंट फ्लेवर का दही बड़े तैयार होंगे। अब ये सब कुछ इसमें मिक्स कर लें अच्छे से। आलू हैं ये तकरीबन 2 ही आलू इसमें काफी होंगे, उबाल कर कटे हुए, इनको भी मिक्स कर दें। और अब ये जो हमने बेसन के बड़े बनाए थे ये इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से इन्हें योगर्ट से कोट कर लें। ये सारे नहीं डाल रही हूँ मैं, ये थोड़े से बच गए हैं, थोड़े से शायद मैंने ज़्यादा बना लिए थे। अब आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देंगे। थोड़ी थोड़ी इमली की चटनी भी हल्के हल्के इस तरह ड्रॉप्स में ड्रिजल कर देंगे। आप चाहें तो इसमें टमाटर, हरी मिर्चें, चने या कुछ भी डाल सकते हैं, हमें वो इतने पसंद नहीं है इसलिए हम वो उन्हें नहीं डालते, लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप जो एडिशन करना चाहें। ये बेसिकली एक बिल्कुल बेसिक रेसिपी है, आप अपने हिसाब से जो चाहें इसमें ऐड। ये बहुत ही मज़े के दही बड़े तैयार हैं, कर्ली ने बनाइएगा और फीडबैक हमारे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।